नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट जर्नी में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TCS की। तो TCS की तरफ से आपको बता दें, जो आज आपको रिजल्ट घोषित किया गया है उसके साथ साथ आपको यहाँ पे डिविडेंड की भी घोषणा हुई है। तो यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड के साथ साथ स्पेशल डिविडेंड की भी घोषणा हुई है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, उसके साथ साथ हम टेक्निकल चार्ट पे भी चल के देख लेंगे कि हमें कैसे कहाँ पे बाई करना चाहिए। लास्ट टाइम जब वीडियो बनाया था वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम डिप को बाई करेंगे। लगभग 3000 के आसपास का सपोर्ट था, वहां से हमने यहाँ खरीदारी रखी थी और ऊपर की तरफ कहाँ पे रेजिस्टेंस था जहाँ पे हमने सेल की अपॉर्चुनिटी दी थी, वो आपको आगे जाके हम बात करेंगे। तो अभी आपको 3320 के आसपास कामकाज कर रहा है टीसीएस। आज लगभग 3.5% आपको ऊपर कामकाज किया है। और 2022 में अगर डिविडेंड की बात करें तो आपको जनवरी में 7 रुपए का डिविडेंड था, उसके बाद मई में आपको 22 रुपए का डिविडेंड, उसके बाद जुलाई में आपको 8 रुपए का डिविडेंड और अक्टूबर में आपको 8 रुपए का डिविडेंड है। लेकिन अगर स्टॉक वैल्यू की बात करें तो आपको 3320 3500 के आसपास के हिसाब से लास्ट टाइम के ड्यूरेशन से मैं बात करूँ तो लगभग आपको 1 से 1.5% का ही आपको डिविडेंड यील्ड आता है। तो चलिए लेटर में देख लेते हैं कि इनके तरफ से क्या नोटिफाई किया गया है। तो जनवरी 9 2023 को आपको जो आज का लेटर अभी रिलीज किया गया है, इसमें बताया गया है कि इनके तरफ से इंटरिम डिविडेंड आपको 8 रुपए का दिया गया है और उसके साथ साथ एक स्पेशल डिविडेंड आपको 67 रुपीज का आपको दिया गया है। रिकॉर्ड डेट की बात करें तो आपको 17 जनवरी 2023 की रखी गई है। तो जिन लोगों को परचेस करना है उनको 15 जनवरी तक आपको परचेस कर लेना होगा, तभी जाके आपको इसमें डिविडेंड का फायदा मिलेगा। लेकिन परचेस कहां करना है, हमें सेल कहां करना है, अगर लास्ट टाइम से आपने कैरी किया और सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, अगर आपको मोमेंटम मिलता है तो वो हम अपने टेक्निकल चार्ट पे देख लेते हैं। तो TCS के लास्ट टाइम जब 3000 के आसपास जब कामकाज कर रहा था, मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था, यहाँ से आप डिप बाई करके चले ऊपर की तरफ आपको 3200 का पहला रेजिस्टेंस है। इसको अगर आप निकालता है ये स्टॉक तो आपको है ना इसके बाद आपको 3400 पे एकदम बैठना है। और 3400 जैसे ही निकलेगा तो थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मैंने बोला था कि आप 3600 के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। तो अभी क्या करना है, 3200 के नीचे आपको अगर आसपास अगर मिलता है, ऊपर ऊपर कामकाज करता है, तो आप यहाँ बाई करके चल सकते हैं। और यहाँ पे बात करें तो 3200 का लेवल है, इस बार इसको इस सपोर्ट को नहीं तोड़ना चाहिए। यहाँ से आपको बाउंस बैक लेते हुए ऊपर की तरफ 3400 इस बार पार करना चाहिए और 3400 के ऊपर ऊपर काम करना, आने वाले टाइम में करना एक अच्छा साइन होगा TCS के लिए। क्योंकि अगर 3200 के नीचे वापस आता है, 3200 के नीचे और 3000 के आसपास आता है तो आने वाले टाइम में ये आपको 2800 का तक का लेवल आपको दिखा सकता है। तो याद रखिएगा कि 3200 के नीचे आना और 3000 के आसपास कामकाज करना ये अच्छा साइन नहीं रहेगा TCS के लिए। तो उसी हिसाब से आप अपना SL लगा के रखेंगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कैंडी लाइक कर दे। अगर कोई दूसरे भी आईटी के स्टॉक है जिनपे आप कोई तरह का अगर आप कमेंट चाहते हैं, कैंडी कमेंट करके पूछ लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कैंडी लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।